ये है हमारे होटल से व्यू, सामने है मठ। सुबह पूजा हो गई, रंगोली बन गई और अभी रेडी है, अब निकलते हैं मैसूर घूमने के लिए। चलो अंश, जा रहे हैं सेंट म्यूजियम देखने के लिए। और मैसूर काफ़ी अच्छी जगह है और सुंदर सुंदर पैलेस बने हुए हैं यहाँ पे, और सारी बिल्डिंग एक जैसी सुंदर सुंदर बनी हुई है पैलेस के रूप में, और काफ़ी अच्छा ग्रीन और हरा भरा है, काफ़ी अच्छी जगह है। मैसूर जू हमारे होटल के पास ही है पर हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। जगमोहन पैलेस, जय लक्ष्मी विलास, ललिता महल आदि काफ़ी वहाँ देखने के लिए जगह हैं। और मैसूर सिल्क साड़ी के लिए काफ़ी मशहूर है मैसूर पार्क। वहाँ पर रेल म्यूजियम भी है, मेलोडी वर्ल्ड, वैक्स म्यूजियम भी है, पर अभी हम जा रहे हैं सैंड म्यूजियम देखने के लिए। तो चलिए आप भी बने रहिए हमारे साथ में और देखिए कितना सुंदर मैसूर पैलेस। मैसूर में रुकने के लिए आपको कई सारे होटल वगैरह मिल जाएंगे, दशहरे के टाइम पे काफ़ी रश होता है। हम जून में गए थे तो अभी ऑफ सीजन था, 1500 रुपये में हमको होटल मिल गया आराम से। अभी हम जा रहे हैं सैंड म्यूजियम में, चलिए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 60 रुपीज़ पर पर्सन है और ये 8:30 बजे से 6:30 बजे तक खुलता है। म्यूजियम भारत का पहला रेत सैंड म्यूजियम है और ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है, और इसका उद्घाटन 2014 में चामुंडी पहाड़ियों के तल पर 1 एकड़ भूमि पर किया गया, और इसमें 150 रेत मूर्तियाँ हैं। मैसूर की संस्कृति, विरासत, वन्य जीवन, धर्म जैसे विषयों पर काफ़ी अच्छी मूर्ति बनाई गई है, और काफ़ी सुंदर और बारीक डिजाइन से बनाई गई है। देख के काफ़ी मन खुश हो रहा है, मतलब अद्भुत ही कलाकृतियाँ हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं ये सब कलाकृतियाँ। MN गोरी जी ने बनाए हैं और वहाँ पर उनकी भी फ़ोटो लगे, काफ़ी अवार्ड वगैरह उनको मिले हैं। बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, वाह कितनी प्यारी लग रही है, क्या करती है। फ्रेंड्स, वहाँ पे मार्केट भी था जहाँ से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, मैसूर की चीज़ें वगैरह आप खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी अनुभूति हुई। अभी हम जा रहे हैं चौमेंडेसरी हिल और सुंदर व्यू हमारे साथ साथ, और यहाँ कुछ काम भी चल रहा है रोड पे। 300 पार्किंग, 40 रुपये कार पार्किंग, और अभी गाड़ी लगाने जा रहे हैं।